एक ह्यूमन सेल मरने से पहले 50-70 टाइम्स डिवाइड करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ डीएनए, और एक पूरा ऑर्डरली मैनेज सिस्टम होता है जिसके अंदर सेल डिवीजन जैसी एक्टिविटी कंट्रोल और रेगुलेट होती है। पर सोचिए क्या होगा अगर ये पूरा सिस्टम जो कि सेल डिवीजन, नॉर्मल फंक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन और सेल डेथ जैसी एक्टिविटी को कंट्रोल और रेगुलेट करता है वो डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर उसमें कुछ म्यूटेशन आ जाए। हेलो दोस्तों, हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैंसर कैसे फॉर्म होता है और डिफरेंस क्या है ट्यूमर और कैंसर सेल में। हमारे डीएनए में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, स्किन, आईज, हेयर कलर से लेके हमारी हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी में कितना स्टैमिना होगा, इवन सेल कब मरेगा और सेल कब डिवाइड करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए में होती है। अगर ये डीएनए में गलती से भी डैमेज हो जाए या फिर छोटा मोटा म्यूटेशन यानी चेंज आ जाए, इसका इम्पैक्ट काफ़ी ह्यूज होता है। जैसे कि कैंसर, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस जैसी डिसीज़ डीएनए में चेंजेस की वजह से होती हैं। कार्सिनोजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जीन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टिवेट करते हैं जिससे कैंसर होता है। ये कैंसर एजेंट यानी कार्सिनोजन कोई रेडिएशन भी हो सकते हैं या फिर कोई केमिकल भी हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही कैंसर का कारण हो, इंटरनल फैक्टर की वजह से भी कैंसर हो सकता है। जैसे कि जब सेल डिवाइड करता है उस टाइम हमारा डीएनए भी डिवाइड होता है, डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान हो सकता है कि कोई कैंसर जीन एक्टिवेट हो जाए। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों में कैंसर जीन ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। तीन मेन जीन जिसमें चेंजेस होने की वजह से नॉर्मल सेल कैंसर इसमें सेल में कन्वर्ट हो जाता है वो है प्रोटो ऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन और डीएनए रिपेयर जीन। ये तीनों जीन सेल की नॉर्मल फंक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं जैसे कि सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ जैसी एक्टिविटीज़। इन जीन में चेंजेस होने की वजह से सेल डिवीजन और सेल की ग्रोथ काफ़ी एबनॉर्मल हो जाती है या फिर कहीं इंक्रीज हो जाती है। एक नॉर्मल सेल जो 50-70 टाइम डिवाइड करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अगर नॉर्मल सेल में के डीएनए में कोई डैमेज हो जाता है वो सेल अपने आप ही उस डीएनए को रिपेयर कर लेता है। अगर डीएनए में डैमेज काफ़ी ज़्यादा होगा तो सेल अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर ये सारी प्रॉपर्टी कैंसर सेल में नहीं होती जिस वजह से इनफिनिट टाइम अपने आप को डिवाइड कर सकता है। ट्यूमर और कैंसर में डिफरेंस क्या है इसको जानने से पहले ट्यूमर होता क्या है पहले वो जान लेते हैं। ट्यूमर जनरली सॉलिड मास होता है एबनॉर्मल सेल का जो डिवाइड करते रहते हैं, पर आप सोचोगे कैंसर सेल भी डिवाइड करते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है। ट्यूमर को कैंसर तब तक नहीं कहेंगे जब तक उसके सेल्स आसपास के टिश्यू में स्प्रेड नहीं हो जाते और उस टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय नहीं करते। सबसे बड़ा डिफरेंस इनके बीच में यही है, इसीलिए हर ट्यूमर जरूर नहीं कि कैंसर हो। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर जो होता है जहाँ पे फॉर्म होता है वो वहीं पे रहता है, वो अदर बॉडी ऑर्गन्स में फैलता नहीं है और जो उसके सेल्स होते हैं काफ़ी स्लो डिवाइड और ग्रो करते हैं। बिनाइन ट्यूमर जनरली हार्मफुल नहीं होते, सर्जरी के थ्रू ही रिमूव करे जा सकते हैं, पर सबसे डेंजरस होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कैंसरस होते हैं। इस ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं वो दूसरी बॉडी के पार्ट के में स्प्रेड हो सकते हैं ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, और उन ऑर्गन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक्चुअली कैंसर सेल में एक एंजाइम होता है जो काफ़ी अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, यही एंजाइम टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है। मैलिग्नेंट कैंसर जरूरी नहीं है कि ट्यूमर फॉर्म करे, जैसे कि ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, इसमें ट्यूमर फॉर्म नहीं होता। इन कैंसर सेल को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन काफ़ी हाई अमाउंट पर चाहिए होती है जिस वजह से अपने आसपास वो खुद के ब्लड वेसल्स फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को एंजियोजेनेसिस कहते हैं। जैसे जैसे कैंसर सेल डिवाइड करता है इनमें म्यूटेशन यानी जेनेटिक चेंजेस काफ़ी अमाउंट में एक्युमुलेट होने लग जाते हैं, जिस वजह से हर कैंसर पेशेंट में यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक चेंजेस होते हैं, जिस वजह से डिफरेंट पेशेंट डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।